दे दिया है। आप किसी शहर में रहने जाओ, कोई मकान किराए पर लेना, एक महीना, दो महीना, चार महीना उसका किराया न देना, क्या वो मकान मालिक तुम्हें रहने देगा? नहीं, निकाल देगा कान पकड़ कर, सिलेंडर द्वारे फेंक दिया सड़क पर, कार का भगवाना सड़क दिखाई दे। लेकिन भगवान ने ये हमें शरीर रूपी मकान कितना सुंदर दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या भगवान इसका कभी किराया मांगने आए? नहीं। भगवान पानी भी हमें देते हैं बिना पैसे के, ये जो हवा है जिससे हम जिंदा हैं वो भी हमें बिना पैसे के मिल रही है। अगर भगवान एक मिनट के लिए हवा बंद कर दे तो सबरे मर जाए रहे हो कछु नहीं, अगर भगवान एक दिन के लिए पानी सुखा दे तो सबरो सत्यानाश हो जाए। लेकिन भगवान हवा का पानी का कभी बिल मांगने नहीं आए, पैसा मांगने नहीं आए। अरे भगवान जब हमारा पालन पोषण करते हैं, सुंदर सुंदर पेड़ प्रकृति ने हमें सांस लेने के लिए दे हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी भगवान को थोड़ा याद कर लें, उनका नाम ही ले लें? प्रभु कहते केवल मेरा नाम ले, बस दिल से ले और कुछ मत कर हमारे लिए, केवल मेरा नाम मन से ले। लेकिन इंसान की सोच क्या है याद रखना। और सबसे बड़ी बात, अब इंसान के पास में समय नहीं रहा, टाइम नहीं रहा। और पहले के युग में समय बहुत हुआ करता था, सत्युग त्रेता और द्वापर में समय तो बहुत था, इसलिए 10,000, 20,000, 30,000 साल तक लोग तपस्या करते थे, पूजा करते थे। और जब कलयुग में उमरियों छोटी, इंसानों छोटो बागी, बुद्धि छोटी हुई है। अब कलयुग में उम्र कितनी है इंसान की? 9 महीने माँ के उदर में रहता है और 120 वर्ष की उम्र है केवल, 120 वर्ष। कब? जब शरीर में कोई बीमारी ना है तब। और जो कहूँ शरीर में छोटी सी बीमारी लग गई तो दवाई अवाई खाए के 60-70 साल जिंदा रहे और उठाओ झोरा और चले गए। और जा दिन से चले गए ताजना से कोई खबर ना आई। याद रहे लोगों, मैंने बताया था कि श्वास श्वास में हर बसे, प्रथा श्वास मत खोई, और पता नहीं इस श्वास को प्रियावन होए न होए। याद रहे लोगों से कहो भगवान की कथा सुनने चलें, भगवान के सत्संग में चलें, तो लोग कह देते हैं मजा ना आए रहो, चलते तो सुनवे लेकिन मजा ना आए रहो। अब एक भागवती भागवत रह गई, अब जाऊं मैं, लोगों को मजा चाहिए। भगवान की भागवत में, भगवान के कीर्तन में लोगों मजा नहीं आता, आनंद आता है। आनंद सबसे बड़ा रस है, आनंद रस। और सबसे बड़ा धन के गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में आनंद आता है, मजा नहीं। मजा आता है ढोला और नौटंकी में, ढोला और नौटंकी में बहुत मजा आता है। जब वे एक हाथ सर पे रख ले, एक कमर पे रख ले और एक झटका मारे, मरी रे दैया, वो आया वहां में बहुत मजा आता है। नौटंकी भागवत में मजा ना आया, लेकिन नौटंकी में बहुत मजा आता। बिच्छू के अंदर एक ही टंक होता है, एक। अगर बिच्छू का उखाए ले तो अम्मा दद्दा सबरे याद आ जाते हैं, एक ही टंक के मारे लोटे लोटे घूमते। और नौटंकी में कितने टंक हैं? 9 टंकी 9। अब समझो, जाके खोपड़ी पे 9 टंक इकट्ठे पड़िए तो सारो शरीर तो वैसे ही हो जाए, पागल हो जाए। एक गुरु ने अपने शिष्य को 3 रुपया दे, कई लहुओ बाजारे जाओ, 1 रुपया की अब लइयो, 1 रुपया की तब लइयो, और 1 रुपया की न अब लइयो न तब लइयो। चेला रहे होशियार, बाजारे पहुंची आओ, 1 रुपया के बाने 2 सेव ले ले, लेके आओ एक जगह भागवत हो रही हूं दे आओ 1 रुपया, 1 रुपया एक जगह ढोला हो रो ता दे आओ। लौटिया गुरु जी की लहु 3 रुपया को हिसाब दे, तो 1 रुपया के जो माने सेव ले सो गुरु जी को दे। बोले गुरु जी इनको मतलब अब, इन्हें तो तुम अब खाए ले और भूख मिटाए ले, और दूसरो लला कहाँ है?
बोले 200 रुपया एक जगह भागवत हो रही ता दे आई, मतलब बोले वो तब अकेले हो जाओ जब जब मर के जाओ तब मां को दान करे आए पुण्य करे आए धर्म करे आए। अकेल पछरा तीसरो कहां गाओ, बोले एक जगह ढोला होयो ता दे आए, मतलब ना तब अब को रहो ना तब को रहो, वो तो गुरु हो जाओ। ये बलराम भैया जी ओसे 21 मुद्राएं भिजवा रहे हैं, भगवान धन के भंडार भरते रहे, याद रहे लोग। तो बड़ा अमूल्य शरीर, अच्छा कितना सुंदर शरीर भगवान ने हमें दिया है, हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और जग के उन्हें लिख दई कि बड़े भाग्य गधा तनु पावा, या बड़े भाग्य घोड़ा तनु पावा, यही क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े नसीब से मिलता है, और कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना सुंदर, कोई कमी ना है जामे, अगर भगवान जामे कमी कर दे तो, भगवान जामे कमी कर दे तो जो मुंह हटाए के पीछे लगाए दे तो, और जो आंखें हटाए के खोपड़ी के ऊपर लगाए दे तो, फिर रोटी खाते तो बड़ी भावाई होती, पहले रोटी तोड़ो फिर वहां सर के ऊपर ले जाओ आंखें से देखो, और फिर नीचे ले आओ नाक तो सूंघो, और तब पीछे ले जाओ मुंह तो खाओ, पीछे बैठो कुत्ता लेके भाग जा तो रह जाते देखो, कितना सुंदर शरीर है, यही तोड़ो यही सूंघो यही देखो खट से खाए ले है। Oh,
हवेली, काउ दिने तेरी याद।